उद्यमी आज आपको एक ऐसे प्रोडक्ट से अवगत कराने जा रहा है जिसका इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रोडक्ट्स के निर्माण में किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं खस के तेल के व्यवसाय की। इत्र, परफ्यूम, शरबत, दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स और अन्य बहुत सारी फील्ड में खस के तेल का उपयोग किया जाता है। खस खुशबूदार होने के साथ साथ काफी फायदेमंद भी होते हैं। हमने और आपने आज तक खस की घास के बारे में सुना होगा, लेकिन असलियत में खस के सारे फायदे इसकी जड़ों में होते हैं। खस का तेल भारत ही नहीं बल्कि यूएसए, रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। अतः इसकी मांग के आधार पर कहना उचित होगा कि यह व्यापार काफी मुनाफे का साबित हो रहा है। यदि आप भी इस बिजनेस को करने में रुचि रखते हैं या इस बिजनेस से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, तो उद्यमी द्वारा लाई गई इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री की सहायता से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि खस की फसल नवंबर, दिसंबर या जनवरी महीने में लगाई जाती है। यदि पर्याप्त मात्रा में पानी मौजूद हो तो इसे आप मार्च महीने में भी लगा सकते हैं। फिर इसे नेक्स्ट ईयर नवंबर या दिसंबर महीने में खुदवा लिया जाता है। खुदाई के बाद पौधे से मिट्टी को झाड़कर अलग कर लिया जाता है। फिर पौधे से जड़ों को काट लिया जाता है और फिर खस की जड़ों को अलग अलग करके उनसे मिट्टी अलग करने के बाद पानी के टैंक में साफ किया जाता है और खस की जड़ों को 24 घंटे के लिए पानी के टैंक में भिगोकर रखा जाता है। इससे ऑयल की रिकवरी बढ़ती है और रूट्स भी सॉफ्ट हो जाती हैं। फील्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस। सबसे पहले खस की जड़ों को डिस्टिलेशन यूनिट के टैंक में डाला जाता है। डिस्टिलेशन यूनिट में दो चैम्बर होते हैं, पहला जिसमें पानी होता है और दूसरा जिसमें जड़ों को डाला जाता है। दोनों चैम्बर एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। फील्ड डिस्टिलेशन के टैंक में खस की जड़ों को डालकर बंद कर दिया जाता है और डिस्टिलेशन यूनिट में नीचे से भट्टी की सहायता से पानी को उबाला जाता है, जिससे कि पानी स्टीम बनकर ऊपर उठे। गर्म होने पर स्टीम जड़ों से होकर ऊपर उठती है। इस स्टीम में पानी और जड़ों से प्राप्त तेल दोनों होता है। इस स्टीम को स्टीम कंडेंसर में डाल देते हैं, जिसमें ठंडा पानी बहता रहता है। स्टीम कंडेंसर से उत्पन्न स्टीम में पानी और तेल को अलग अलग करने के लिए सेपरेटर का उपयोग किया जाता है, जिससे कि पानी और तेल दोनों अलग अलग कंटेनर में जमा हो जाते हैं। खस का तेल हल्का भी होता है और भारी भी, अतः हम सेपरेटर में हल्का तेल ऊपर से निकाल लेते हैं और भारी तेल को सेपरेटर के निचले हिस्से से प्राप्त कर लेते हैं। रॉ मटेरियल। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको रॉ मटेरियल के रूप में खस की घास की जड़ों की आवश्यकता होगी। मशीनरी। वेटीवर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को करने के लिए हमें फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट की आवश्यकता होती है। इसके अंदर जितनी भी एरोमेटिक क्रॉप आती हैं, जैसे लेमन ग्रास, मेंथॉल मिंट, खस आदि का डिस्टिलेशन करके इनका ऑयल निकाला जाता है। मैन पावर। अगर मैन पावर की बात करें तो भट्टी को गर्म रखने के लिए, टैंक में जड़ों को डालने के लिए और खाली करने में 2 से 3 लोगों की आवश्यकता होगी। एरिया। आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम 2000 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी, जहां आप रॉ मटेरियल, टैंक को गर्म करने के लिए फ्यूल और वेस्ट भी रख सकेंगे। सिविल वर्क। सिविल वर्क की बात करें तो फर्नेस यानी भट्टी, डिस्टिलेशन टैंक, कंडेंसर सेपरेटर, कूलिंग वाटर सर्कुलेशन यूनिट एवं चिमनी की आवश्यकता होगी। स्टीम कंडेंसर में पानी भरने के लिए 2.5 किलो वाट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस में आप खेती और डिस्टिलेशन की लागत यदि जोड़ लें तो लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ आप यह बिजनेस आसानी से शुरू कर सकेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट की बात करें तो 1 एकड़ खेती में कम से कम 13 से 15 किलो खस के तेल का उत्पादन होगा। खस के 1 किलो तेल का मार्केट प्राइस लगभग 18 से 20 हजार रुपए है। इस हिसाब से 15 किलो तेल का प्राइस
20,000 रुपए के हिसाब से 3,00,000 रुपए होगा। डिस्टिलेशन और एग्रीकल्चर खर्च जो कि लगभग 1,00,000 रुपए है, हटाने के बाद आप 2,00,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आप PMEGP योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आपने वेटीवर ऑयल यानी खस के तेल के व्यवसाय के बारे में जाना। अन्य नए नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर। आपके बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर 7526000333 7526000555 पर कॉल कर सकते हैं।